राजधानी रायपुर में पुलिस ने देर रात वीआईपी रोड के कैफे और रेस्टोरेंट में जांच की, जहां लंबे समय से उस इलाके में देर रात तक शराबखोरी और अड़ीबाजी की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में दो कैफे पर कार्रवाई की गई है और खुलेआम शराब बियर पिलाते कैफे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि रविवार देर रात राजधानी पुलिस ने कैफे और रेस्टोरेंट्स पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कैफे में प्रतिबंधित हुक्का सामग्री बिक्री करते और रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाते कुल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना माना कैंप क्षेत्र अंतर्गत बैट रेस्टोरेंट और बर्न रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी, तो वहीं वीआईपी रोड स्थित दिया कैफे में अवैध रूप से हुक्का पिलाने के साथ ही हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री करते दिया कैफे के संचालक रवि आहूजा को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो माला और वीआईपी रोड के जो कैफे हैं वहां पर जो अवैध शराब पिलाई जा रही है, साथ ही जो निर्धारित समय है उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। पुलिस द्वारा जो है वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया था और वीआईपी रोड के सभी कैफे में जो है जांच की गई, जिसमें दो कैफे हैं, एक तो वीजी कैफे और दूसरा बैट कैफे, वहां पर जो है शराब भी मिली और उनके खिलाफ फौजी ड्यूटी कार्रवाई की।